Hey, good morning and welcome back to all of you, class 4. And today I am going to teach you the second chapter of mathematics. This chapter is addition and subtraction and their applications. Okay, so hum log padhenge addition ke baare mein, subtraction ke baare mein aur uske applications ki aur uska jo feature matlab ki uska jo property hai uske baare mein hum log janenge. Theek hai, so dekhte hain hum log pehla ki add क्या है. हम लोग किसी भी नंबर्स को ऐड करते हैं और रिजल्ट मिलता है. सपोज 2 + 4 इज इक्वल टू 6 होता है. कोई भी नंबर हम लोग जो ऐड करते हैं, ठीक है, तो किसी भी नंबर्स को जो हम लोग काउंट करके एक साथ एक समूह में ला के एक साथ जो हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वही एडिशन हो जाता है. जैसे इसको हम लोग क्या कहेंगे, किसी भी जो दो नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं या तीन नंबर को, जितने भी नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे सबको हम लोग कहते हैं एडेंड्स. क्या कहेंगे? एडेंड्स कहेंगे. ओके, और जो इसका रिजल्ट मिलता है इसको हम लोग कहते हैं सम. गॉट इट? ये सम कहलाता है. सपोज आपके चैप्टर में ऐसे भी क्वेश्चंस होता है, कहता है कि फाइंड दी सम ऑफ 56 एंड 44. तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. इस वर्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअल में. बहुत बच्चे ऐसे होते हैं बट अपने कमजोरी को छुपा के रखते हैं कि नहीं, मैं बताऊंगा तो मैं क्लास में इंसल्ट हो जाऊंगा, बाकी बच्चों के नज़रों के सामने में गिर जाऊंगा कि नहीं उसको कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है. ठीक है, सो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज यू आर अ लर्नर. आप एक सीखने वाले हैं, अधिगम करने वाले बच्चे हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों को कभी भी अपने दिमाग में मत लाइए. ठीक है, तो सम का मतलब होता है किसी भी दो नंबर को जोड़ना, रिजल्ट उसका जो होगा वही सम कहलाता है. तो इस दोनों को अगर मान लीजिए कि मैं 56 और 44 को ऐड करूँ क्या हो जाएगा, 6 and 4 10, 1 इसका रहेगा तो 1 and 5 4 6 and 6 and 4 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया 100. तो यही क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा. आई बात समझ में? अब देखिए सब्ट्रैक्शन के बारे में. ठीक है, सब्ट्रैक्शन, सपोज हम लोग बहुत सारे ऐसे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे भी नहीं, हम लोग जैसे अपने डेली लाइफ में इसका काफ़ी यूज़ करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को. जैसे कोई बच्चे क्या करते हैं कि अपने गुल्लक में या पिगी बैंक में कुछ कॉइन्स वगैरह ऐड करते हैं, यानी कि उसमें जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो क्या होता है कि धीरे 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 उस पिगी बैंक में बहुत सारे पैसे भर जाते हैं. नहीं तो भर जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें पैसे फुल हो जाते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए आज 1 रुपया डाला, कल 1 रुपया और डाला, तो ऐसे ही क्या होता है धीरे धीरे ऐड करते करते, मान लीजिए स्टोर करते करते कितना हो गया, मान लीजिए 50 रुपये, तो ऐड करके हमने पता किया, जोड़ के पता किया. ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन का. जैसे सपोज आप किसी शॉप पे गए, 10 रुपये ले करके आपने 6 रुपये का सामान लिया. ओके, सो आपके पास कितना बचा? सिंपल है, 4 रुपीज़ बचा. तो उसको हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए इस मैथमेटिकली इसका क्या एप्लीकेशन होता है, सो देखिए ध्यान से. जैसे मान लीजिए कि आपने 10 रुपीज़ में से 6 रुपये का आपने कोई सामान लिया, तो कितना बचा आपके पास? सिंपली 4 रुपीज़. ओके, सो जितना आपके पास था उस पैसे को हम लोग कहेंगे मिनवेंड. क्या कहेंगे? मिनवेंड. ओके, और जितना आपने खर्च किया उसको हम लोग कहेंगे सब्ट्रा हैंड कहेंगे, और जो आपके पास रह गया, बचा हुआ शेष रह गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंस, यानी कि अंतर. जिस नंबर में से माइनस किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं मिनवेंड, जितना को माइनस किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सब्ट्रा हैंड, एंड जितना रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो वही क्या कहलाता है? डिफरेंस. सिंपल सी बात है. तो आपको क्या करना है, ऐसे में भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे. मान लीजिए कहेगा कि फाइंड द डिफरेंस,
फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, मान लीजिए 22 और 15, 22 और 15 के बीच का कितना का डिफरेंस है। तो सिंपल है बच्चों, कहीं भी रहे आपको ये वर्ड मिले डिफरेंस मैथ्स में, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, दोनों के बीच में कितना का अंतर है। तो 22 में से आप 15 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, तो माइनस कीजिए 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा, इससे जो है ये 1 क्या करेगा, बोरो करेगा, तो ये रह जाएगा 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये बोरो कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 5 तो 7, और ये 1 में से 1 तो 0, ओके। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि चलिए मैंने जितना में से सब्ट्रैक्ट किया वो कहलाया मिनुएंड, जितना को मैंने सब्ट्रैक्ट किया वो कहलाया सब्ट्रहेंड, और जितना मेरे पास रिजल्ट बचा उसे हमने कहा डिफरेंस, डिफरेंस का। अब ये ऊपर में कौन सा चीज़ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका भी नाम है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे बोरोइंग, ओके, यानी कि बोरो करना, उधार लेना, इससे इसने क्या किया, इस टू ने इससे एक उधार ले लिया, तो ये 2 से हो गया 12, ओके, एंड 12 में से 5 तो सिंपल सी बात है माइनस हो सकता है, तो हम लोगों ने माइनस कर लिया तो 7 हो गया, अब ये रिमाइंड रह गया 1, तो 1 में से 1 माइनस किए तो 0 हो गया, तो सिंपल सी बात है बच्चों। अब अगर आपको किसी भी तरह का सब्ट्रैक्शन या एडिशन रहे तो आप बता सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आसानी से। चलिए देखते हैं हम लोग और भी कुछ इस सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 35 में से मैंने 22 माइनस किया, तो माइनस कीजिए आप 5 में से 2 3, 3 में से 2 1 बचा, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मिनुएंड, ओके, एंड दिस इज सब्ट्रहेंड एंड दिस इज डिफरेंस। बच्चों इससे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, आप देखिए कैसे, मान लीजिए सपोज कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सब्ट्रहेंड है आपके पास, डिफरेंस है, और आपको फाइंड करना है ये, तो ये कैसे आप फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा कैसे, जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया 35 में से तो रिजल्ट 13 आया, तो इस दोनों को अगर वापस आप ऐड करेंगे तो इतना आना चाहिए मिनिमम, ठीक है, तो फॉर्मूला आपका बन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है क्या, तो मिनिमम इक्वल टू होगा कि सब्ट्रहेंड अ प्लस डिफरेंस, ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, मान लीजिए अगर आपको सब्ट्रहेंड फाइंड करना हो और मिनुएंड और डिफरेंसेस दिया रहे तब क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली जब सब्ट्रहेंड फाइंड करना हो तो डिफरेंस को आप इधर ले आइए, जब ये इधर आएगा तो इक्वल के लेफ्ट या राइट में जाता है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये मिनुएंड में से डिफरेंस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो सब्ट्रहेंड इक्वल टू हो जाएगा मिनुएंड माइनस डिफरेंस, ओके, और आपको एक तो पता ही है जब डिफरेंस फाइंड करना हो तो मिनुएंड माइनस क्या हो जाएगा, सब्ट्रहेंड, तो थर्ड फॉर्मूला, जब आपको डिफरेंस फाइंड करना हो तो मिनुएंड माइनस सब्ट्रहेंड, तो मान लीजिए इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, कहेगा कि इफ सब्ट्रहेंड इक्वल टू 20 एंड डिफरेंस इक्वल टू 10, फाइंड द मिनुएंड,
कैसे आप फाइंड करेंगे? तो अब आपके पास फॉर्मूला है, क्या फाइंड करना है, मिनवेंड फाइंड करना है। और मिनवेंड फाइंड करने का फॉर्मूला है कि यहाँ क्या होता है, सब्ट्राहेंड प्लस डिफरेंस। तो सब्ट्राहेंड और डिफरेंस दोनों को ऐड कर दीजिए तो मिनवेंड हो जाएगा, ठीक है। मिनवेंड इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 10, तो यानी कि 30 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। जिस देखिए आपका जो ये टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, आपको आगे क्लास में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ यानी कि फ़ायदा, और लॉस मीन्स होता है कि हानि या नुकसान, ओके। सो इसमें है कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CP भी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द प्राइस ऑफ बाइंग इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। कोई भी चीज़ जो हम लोग खरीदते हैं तो वो जो खरीदने की कीमत होती है उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ओके। जैसे मान लीजिए मैंने एक बुक खरीदा, तो बुक का कॉस्ट है कि कॉस्ट ऑफ बुक, मान लीजिए कि मैंने खरीदा 50 रुपीज़ में, तो ये क्या हो जाएगा, CP हो गया 50 रुपीज़, ठीक है। तो इसको हम लोग 50 रुपीज़ यानी कि ये कॉस्ट प्राइस कहेंगे। और क्या है कि फिर है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SP भी बोलते हैं। द प्राइस एट विच एनी थिंग इज सोल्ड, वैसी कीमत, वो कीमत जिस कीमत पे किसी भी चीज़ को बेची जाती है उसमें हम लोग क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। सपोज दिस मार्कर इज ऑफ 25 रुपीज़, मान लीजिए कि ये मार्कर 25 रुपीज़ का है, अगर मैं इसे बेच दूँ तो वो जितना मैं कीमत इसका रखूँगा, मान लीजिए मैं 20 रुपये में बेच रहा हूँ इसको या बेच दूँ, तो अगर ये 20 रुपये का है तो यही इसका कीमत हो जाएगा, बेचने का कीमत, यानी कि ये सेलिंग प्राइस कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए अब कहिएगा कि ये प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP, यानी कि मान लीजिए कि मैंने ये वस्तु खरीदा 10 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस हुआ, और मैंने इसको बेच दिया 15 रुपये में, 15 रुपीज़ में, तो वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे बेचने की कीमत क्या हो गई, ज़्यादा हो गई खरीदने की कीमत से। तो जब भी ज़्यादा हो जाए, सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा हो जाए कॉस्ट प्राइस से, तब हमेशा प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए 10 रुपये में आपने ख़रीदा और 20 में आपने बेच दिया, तो बेचने की कीमत ज़्यादा हो गई, तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। तो when SP is greater than CP, then क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं, एक और वर्ड के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गेन, गेन भी कहते हैं। तो प्रॉफिट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, SP माइनस CP, ये फॉर्मूला हो गया। सपोज फर्स्ट फार्मूला हो गया, सपोज आपके पास प्रॉफिट है और SP है, ये दो चीज़ें हैं, तब आप अगर आपसे कहा जाए कि CP फाइंड कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग CP, CP का फॉर्मूला होता है। तो CP जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, SP में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका CP, ओके। और जब मान लीजिए कि आपको SP फाइंड करना हो, SP फाइंड करना हो और आपके पास है क्या, तो CP और प्रॉफिट है, तब आप कैसे फाइंड करेंगे। तो CP और प्रॉफिट है, जब आपको SP फाइंड करना हो तो क्या करना है कि प्रॉफिट में ऐड कर देना है, किसको, कॉस्ट प्राइस को, यानी कि CP को ऐड कर देंगे हम लोग। तो ऐड जब ये कर देंगे CP को, तो ये आपका निकल जाएगा क्या, SP निकल जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये बताइए कि लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, तो जब मान लीजिए कि व्हेन SP इज़ स्मॉलर देन CP, जब SP अगर CP से छोटा हो जाए, मान लीजिए कि मैंने इसे ख़रीदा 10 रुपये में और बेच दिया 5 रुपये में, तो बेचने की कीमत कम हो गई और ख़रीदने की कीमत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है मुझे लॉस होगा। तो जब ये SP अगर CP से कम हो जाए तो वहाँ पे लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट कि लॉस इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो CP में से हम लोग SP को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास है लॉस है
और सीपी है, और आपको फाइंड करना है ये एसपी, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो एसपी फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, तो एसपी इक्वल टू सीपी और माइनस लॉस कर देना है, तो आपका एसपी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला देखिए, अगर मान लीजिए कि इन केस आपके पास क्या हो, तो एसपी हो और फिर ये भी हो जाए लॉस हो, तब अगर आपको सीपी निकालना हो, सीपी फाइंड कैसे आप करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो एसपी में हम लोग क्या करेंगे, लॉस को ऐड कर देंगे, तो आपका ये सीपी निकल जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला है, मैंने बताया है कि कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, इससे ज़्यादा आपका क्लियरेंस होगा, आपका जो भी डाउट होगा जो भी कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, चलिए इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करके समझते हैं कि कैसे हम लोग फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए नेकलेस इज 4500, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 450 रुपीज़। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन को समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, ओके। सो देखिए इसमें कहता है नेकलेस का, एक नेकलेस आप जानते होंगे, एक हार को कहा जाता है जो जनरली लोग पहनते हैं, गले में पहनते हैं। तो एक नेकलेस का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि खरीदने का कीमत है 4500 रुपीज़। तो कहता है कि कितने कीमत पे इसे बेचना चाहिए ताकि 450 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है हमारे पास, तो सीपी, सीपी इक्वल टू है कितना, तो 4500 रुपीज़, ओके। एंड प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 450 रुपीज़ का, नहीं तो इसे कितना में बेचना चाहिए। तो मैंने इससे पहले फॉर्मूला भी लिखा था कि जब आप, आपको एसपी फाइंड करना हो, तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, समझ गए। तो हम लोग अगर सीपी और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो एसपी निकल जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 4500 प्लस 450 रुपीज़, इट मीन्स कि कितना निकल जाएगा, 4950 रुपीज़, यानी कि उस नेकलेस का कॉस्ट पर अगर सेलिंग प्राइस 4950 रुपीज़ रखा जाए तो कितना का प्रॉफिट होगा, 450 रुपीज़ का होगा, होगा कि नहीं, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आया, अब देखिए हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक कि ओवरहेड, समझ गए, ओवरहेड क्या होता है। तो देखिए अब ये ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्ट और ओवरहेड्स क्या होता है, ओके। सो एडिशनल एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड्स या फिर ओवरहेड कॉस्ट्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ खरीदा, सपोज आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो वो 2000 का है और उस पर आपको एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ रहा है 5%, यानी कि 5% उसका अलग से जीएसटी आपको देना पड़ रहा है, तो वो तो अलग एक्स्ट्रा खर्च हो गया ना, तो वही एक्स्ट्रा खर्च एक तरह से क्या हो गया, ओवरहेड हो गया, समझ गए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना उस रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट रहेगा उसी में उसका जीएसटी ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जब फार्मूला है फाइंड करना हो, जब टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो सीपी और सीपी में हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, कहता है ए कारपेंटर बाउट अ टेबल फॉर 3500, एक बढ़ई ने एक टेबल 3500 रुपये में खरीदा, ठीक है। ही स्पेंट 500 रुपीज ऑन रिपेयरिंग एंड पेंटिंग इट, और उसने उस टेबल को रिपेयरिंग यानी कि ठीक करवाने में, मरम्मत करवाने में और उसको कलर करने में 500 रुपीज़ का वो उनका अलग से खर्चा हुआ, ठीक है, उन्होंने खर्च किया। ही देन सोल्ड इट फॉर 3500 रुपीज़,
और फिर उस उन्होंने क्या किया कि 3500 रुपीज़ में ही उस टेबल को बेच दिया। तो कहता है व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस। तो ये बताइए, पूछ रहा है कि उनको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो ये हम लोगों को निकालना है, फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। तो सी पी ऑफ टेबल, टेबल का सी पी क्या है, तो 3500 रुपीज टोटल है। अच्छा, तो अब उसी को ठीक करवाने में ना लगा ये 500 रुपीज, तो ये तो एक्स्ट्रा खर्च हो गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मनी कितना है, 500। ठीक है, जिसको हम लोग ओवरहेड भी लिख सकते हैं इसको। और ये देख लीजिए, तो हम लोग टोटल सीपी निकालेंगे। ठीक है, देयरफॉर टोटल सीपी आप फाइंड कर लीजिए। टोटल सीपी तो हम लोगों को निकालना होगा ना, क्योंकि ये भी तो उसी को ठीक करवाने में लगा ना। तो खरीदने से लेके पेंटिंग या रिपेयरिंग करने में भी चार्ज 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा। तो ये एक्स्ट्रा मनी जो है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो टोटल सीपी ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, तो 3500 में हम लोग ऐड कर देंगे कितना को, 500 को। तो ये आपका निकल जाएगा कितना, तो 4000 रुपीज़। ठीक है, उन्होंने बेचा कितना में, सोल्ड इट फॉर 3500 रुपीज़। तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी ऑफ टेबल, टेबल इक्वल टू क्या हो गया, 3500 रुपीज़, सॉरी 3500 रुपीज़। तो अब आपको पता चल गया होगा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, अब सेलिंग प्राइस कम है, खरीदने का कीमत ज़्यादा है और बेचने का कीमत कम है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए मैं इसे कम ज़्यादा दाम में खरीदूँ और कम दाम में बेच दूँ, तो मेरा तो नुकसान होगा। तो क्या हो गया, उस कारपेंटर को क्या होगा, लॉस ही होगा। इसीलिए लिखेंगे सेल्स एस पी इज स्मॉलर देन सी पी, देयरफॉर लॉस। लॉस क्या हो जाएगा, तो सी पी माइनस क्या कर देंगे, एस पी। तो सी पी में से आप एस पी को कर लीजिए माइनस, तो 4000 में से आपको क्या करना है, 3500 को माइनस कर लेना है, कितना हो जाएगा, तो 500। तो लॉस हो गया कितना, 500 रुपीज़ का। समझ गए, आई बात समझ में। तो चलिए अब हम लोग और भी देखते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एक दो और बना के देखते हैं, ताकि ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखिए, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, कहता है अंजू लॉस्ट 2300 रुपी ऑन ए सोफा सेट दैट सी सोल्ड फॉर 34,445। एट व्हाट प्राइस डिड शी बाय द सोफा सेट। मतलब कहता है कि अंजू 2300 रुपीज लॉस्ट की, यानी कि उसको लॉस हुआ एक सोफा सेट पर, एंड दैट शी सोल्ड फॉर 34,445 रुपीज़। और उसने क्या किया कि इतना रुपया में उसको बेच दिया। ठीक है, तो कहता है व्हाट प्राइस डिड शी बाय द सोफा सेट। तो ये पूछा जा रहा है कि कितना में उसने सोफा सेट खरीदा। तो देखिए लॉस क्या है, लॉस इक्वल टू दिया हुआ है 2300 रुपीज। ओके, एंड इसका एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 34,445 रुपीज। ठीक है, तो अब हम लोगों को निकालना है सीपी। सीपी क्या होगा, ये तो हमने बताया था फॉर्मूला में, याद कीजिएगा आप लोग, फॉर्मूला को याद कर लेंगे अच्छे से। तो सी पी इक्वल टू होता है लॉस प्लस एस पी। ठीक, तो दोनों को आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा यानी कि 2300 प्लस 34,445, दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं, चलिए देख लीजिए, इसे 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, और ये 2, 4, 6, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो
कितना हो जाएगा 36,745 रुपीज़। ठीक है, तो फिर आप लोग आगे सॉल्व कीजिए चैप्टर टू को, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से एक अगले चैप्टर का नया वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नए चैप्टर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।